ओके सर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना सब्सक्रिप्शन दिए आप किस तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हैं किसी एप्लीकेशन पे जा करके। तो किसी एप्लीकेशन नहीं, एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के जिसमें पैसे पे करके और जो है, तो चलिए हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पे जो है आप बिना सब्सक्रिप्शन के किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजी को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दूसरा एप्लीकेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बिना सब्सक्रिप्शन को किस तरह से जो है आप इस पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ से देख सकते हैं, टेस्ट बुक एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे होम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है टेस्ट बुक एप्लीकेशन, ठीक है। अब बोलेंगे कुछ लोग कि भैया ये तो एप्लीकेशन जो है इसमें सब्सक्रिप्शन मांगने पड़ते हैं, तो ये ज्ञानी लोग जो होंगे वो वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चलिए मैं सिंपली कर लेता हूँ टेस्ट बुक एप्लीकेशन को ओपन, ठीक है। उसके बाद में आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन की अगर बात जैसे मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे देख सकते हैं 99, और फिर यहाँ पे आगे अगर बात किया जाए तो रेफरल कोड, जो कि यूज करना बहुत ही जरूरी है अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो उसके बाद में अगली अगर बात किया जाए तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे टीटी एग्जाम्स के लिए भी है, बट और भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 299 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब पर मंथ 300 रुपये, और वो भी ऑनलाइन टेस्ट में कुछ लोग मिस कर जाते हैं। तो चलिए मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आपको फ्री में किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कर देना है यहाँ पे थ्री आइकन पे क्लिक, क्लिक करने के बाद में आपको कर लेना है सिंपली यहाँ पे मोर कैटेगोरी का, यहाँ पे मोर एग्जाम्स का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो है टीईटी और रेलवे को सिलेक्ट कर रखा हूँ मैंने, तो यहाँ से मैं सिंपली मोर एग्जाम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आप जो है यहाँ से देख सकते हैं बैंक कलर से लेकर के बैंक पीओ और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसके बाद में नीचे आते हैं तो आपको मिल जाते हैं एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड, उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्या रेलवे वगैरह सब कुछ, ठीक है। नीचे आए तो बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्स का मिल जाता है, तो आप सिंपली कर लीजिएगा किसी एग्जाम को सिलेक्ट, जैसे कि मैं टीईटी को कर लिया हूँ सिलेक्ट। उसके बाद में अगर बात किया जाए ऊपर आगे, तो मैं जो है यहाँ पे रेलवे को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए सिंपली मैं रेलवे पे फिर से कर देता हूँ क्लिक, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और ये जो है मांगेंगे आपसे कुछ इस तरह की, तो मैं सिंपली कर देता हूँ हाँ यहाँ पे, और फिर से एक बार कर देता हूँ तो यस हो गया, और चलिए मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से क्वीज देख रहे होंगे तो इसमें जो है भैया पे करना पड़ता है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं क्वीज आपके लाइव टेस्ट वगैरह जो है चल रहे होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी एग्जाम्स आप सिलेक्ट करके रखे हुए हैं उसका जो है यहाँ पे क्वीज चल रहा होता है, तो आप जो है फ्री में आप जो है इस पे दे सकते हैं टेस्ट। तो जैसे कि मैं सीटेट का जो है यहाँ पे मैथ ईवीएस और इसका जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे अभी चल रहा है 5 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रश्न होंगे, तो इसको मैं सिंपली कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे टोटली कितने क्वेश्चन है 5, उसके बाद में टाइमिंग यहाँ पे चलने लगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन है यहाँ पे रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, और इसको जो है आपको सिंपली कर देना है टिक, और टिक करने के बाद में आपको सबमिट करते जाना है, और 5 नंबर तक पुराने के बाद में आपको जो है इसमें कितने आपके परफॉर्मेंस वगैरह जो भी रहा वो सब जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, और ये जो है पूरा एकदम से मतलब कि फ्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसका जो है आपको ईमेल वगैरह भी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे भेजा जाता है कि आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या ये स्टडी में आप क्या मतलब हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो बस यही था छोटा सा वीडियो जो है बिना सब्सक्रिप्शन के आप किस तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हैं उसके बारे में। सो बाबा एंड टेकर खुजरे मसरे बसरे, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।